खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बैराड़ शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के खोदा गांव से है। खोदा गांव में खेत पर रखवाली कर रहे एक युवक के पैर में गोली लगने का मामला सामने आया है। घायल युवक को परिजनों द्वारा इलाज के लिए पहले शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे ग्वालियर रेफर किया गया है। युवक की रिपोर्ट पर से केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हालांकि बैराड़ थाना प्रभारी टीआई नवीन यादव ने गोलीबारी की घटना से इनकार किया है। उनका कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि युवक को गोली लगी है कि अथवा क्या मामला है। सरसों के झाड़ में छिपकर मारी गोली खोदा निवासी विक्रम रावत उम्र 23 वर्ष ने बताया कि वह अपने चचेरे भाई संतोष रावत उम्र 18 वर्ष के साथ बीती रात खेत पर बोरवेल की मोटर को बंद करने गया हुआ था। इसी दौरान अंधेरे में खेत में खड़ी सरसों से तेज धमाके की आवाज आई। विक्रम को लगा कि किसी ने पटाखे को चलाया, लेकिन देखा तो उसके चचेरे भाई संतोष के पैर से खून बह रहा था। संतोष के पैर में बंदूक की गोली के छर्रे लगे थे, जिसके बाद घटना की शिकायत बैराड़ थाना में दर्ज कराई। गोली लगने के बाद घायल हुए संतोष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से संतोष को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। बैराड़ के खोदा में एक गोली कांड का मामला सामने आया है। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है और क्या कुछ मामला है सर? अब इसमें गोली चलने का तो अभी तक कुछ नहीं आया, ना फरियादी ने कुछ बताया है, लेकिन बताया था कल रात को वो अपने गोद पे खेत पे गया था तो उसको कुछ पटाखे इसी दूर से आवाज़ सुनाई थी और उसके बाद उसको पैर में खून जैसा लगा, वो सीधा भाग कर थाने आ गया। उसकी रिपोर्ट पर से धारा 336-337 IPC का मामला पंजीबद्ध किया गया है और फरियादी का मेडिकल कराया गया है। मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई देखी जाएगी, जैसी विवेचना में लिया गया है क्या निकलता है उसमें। बैराड़ से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकड़ की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।